मध्य प्रदेश सरकार के सामने वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन लगवाई जा सके। इसके लिए सरकार ने कई सुविधाएं भी उपलब्ध की हैं, जैसे कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना होकर लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सरकारी छुट्टियां भी, छुट्टी के दिन भी वैक्सीनेशन बंद किया गया है। पूरी तरह से यहाँ वैक्सीनेशन प्रभावित है, लोग यहाँ पर आए हुए हैं लेकिन इनको कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आज वैक्सीन लगेगी या नहीं। कहाँ से आए हैं आप? कोलार रोड सी सेक्टर। वैक्सीन नहीं लगी अब तक, कुछ जानकारी मिली आपको आज वैक्सीनेशन सेंटर बंद है? नहीं, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हम लोग तो सुबह से यहाँ पे आकर के बैठे हुए हैं 9 बजे से। आप कहाँ से आए हैं? कोलार। कोई जानकारी नहीं मिली है हमको? सुबह से कोई जानकारी नहीं मिली। आप? 6 नंबर से, शिवाजी नगर 6 नंबर से आए वैक्सीन लगवाने के लिए आए। किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी? जानकारी नहीं मैम, जिसको फोन लगा रही वर्कर को, फोन भी नहीं उठा रहे मैम, कुछ भी नहीं बता रहे वो, हम बैठे ही यहाँ पे। तो देखिए लोगों को किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह 9 बजे से आकर यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, वर्कर्स फोन नहीं उठा रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर एक कर्मचारी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज वैक्सीनेशन क्या बंद है, इसकी जानकारी आपको है? मुझे नहीं है, मैं मेरी ड्यूटी पे आ गया। मुझे ड्यूटी का पता था कि वैक्सीनेशन होगा या नहीं होगा, मैं ड्यूटी पे आ गया। वैसे कितने बजे तक वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है? हो जाता है 9 बजे। और आज अब तक कोई नहीं आया, तो किसी से आपने संपर्क करने की कोशिश की? लोग यहाँ पर बैठे हुए परेशान हो गए। मैं मलेरिया डिपार्टमेंट का हूँ, 1250 वाले अफसर का मेरे पास नंबर नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ। मेरे साहब ने बोला था आप अपनी ड्यूटी तत्पर रहो, मैं आ जाता हूँ, टाइम पे आता हूँ, टाइम से जाता हूँ। लोग सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं, परेशान हैं, अब तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही, जो जिम्मेदार हैं इसके फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए साप्ताहिक अवकाश के दिन भी 2 दिन वैक्सीनेशन बंद रहता है, अब सरकारी छुट्टी आज बुद्ध पूर्णिमा है, इस दौरान भी वैक्सीनेशन पूरी तरह से प्रभावित है। अभी करीब 10 बज रहे हैं, 9:30 का समय हो रहा है लेकिन अब तक कोई जानकारी लोगों को नहीं मिली है। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती बन गया है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकार किस तरह से वैक्सीन लगवाएगी। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल।